बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं अपनी सर्वे बोर्ड के टॉप के ऊपर हूँ, उसके टॉप पे हूँ। और अभी तक हमारी कंपनी के पास जो है वो इको सोर्डिंग नहीं आया, तो हम लोग हमारे सब कॉन्ट्रैक्टर चाइना हार्बर के साथ काम कर रहे हैं, जो हमारे लिए ड्रेजिंग भी करते हैं। तो ये जो मेरा वीडियो है, ये एक्चुअली बैथीमेटिक सर्वे का ओवरऑल व्यू देने के लिए है। और जैसे ही हमारे पास अपने इक्विपमेंट आ जाएंगे, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि तमाम जो उसके पार्ट्स होते हैं और कैसे काम करते हैं, उनके ऊपर डिटेल में वन बाय वन एक वीडियो बनाऊं। तो ये जो मेरा वीडियो है, जस्ट इसका ओवरऑल देने के लिए कि हम लोग बैथीमेटिक सर्वे या हाइड्रो सर्वे जो है वो हम लोग कैसे करते हैं इसको। ये एक्चुअली मैरीन सर्वे भी होता है, मैरीन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं टॉप पे आया हूँ इसको बोर्ड के। तो ये हमारा GPS है जो ट्रिम्बल का है, रोवर जो कि कनेक्ट है इसके साथ, और इसकी जो केबल है वो नीचे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, ओडैम के साथ कनेक्टेड है, जहाँ पे ये डाटा रिसीव करते हैं हम लोग। तो यहाँ से स्टार्ट करके मैं वन बाय वन आपको तमाम डिटेल बताता हूँ कि हम लोग ये सर्वे का काम कैसे करते हैं। उससे पहले ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारा बिल्कुल जो है वो एक बिल्कुल लैंड के साथ हमारा सी है। ये इस एरिए को हम लोग रिकलिमेशन एरिया बोलते हैं कि यहाँ पे हमने मिट्टी डालने के बाद इसको रेडी करना है। ये एक LNG प्रोजेक्ट है कुवैत का। तो यहाँ पे बाद में हम लोग पहले ड्रेजिंग कर रहे हैं, वो सामने ड्रेजर है, और जब हमारे मुकर्रा लेवल तक ड्रेजिंग हो जाएगी तो उसके बाद हम इसमें मिट्टी डाल के इसको अपने ग्राउंड के लिए रेडी करेंगे। तो सबसे पहले ये वो अगर आप साइड में देखें तो हम लोगों ने कुछ रॉक में पत्थर आपने डाल रहे हैं इसके अंदर, ताकि हमारी बाउंड्री लाइन क्लियर हो जाए और उसके बाद हम इसमें मिट्टी डाल सके। ये रॉक बंड जो है ये साइडों में बना के और इसके बीच में हम लोग ड्रेजिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे इस वक्त सी का एलिवेशन है वो -7 -8 के लगभग है, और हम लोगों का जो रिक्वायर्ड है वो मैक्सिमम -13 मीटर है, सॉरी 14 मीटर माइनस में हमारा मैक्सिमम लेवल है। तो डिज़ाइन के मुताबिक जैसे जैसे ड्राइंग है उसके मुताबिक कहीं पे 12, कहीं पे 13.5 और कहीं पे -14 है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे ड्रेजिंग कर रहे हैं। हमारे पास ये दो ड्रेजर अभी रिक्लेमेशन एरिया में काम कर रहे हैं, कि सामने है और एक ये ड्रेजर काम कर रहे हैं। बाकी अगर मैं दोबारा ऊपर आऊँ तो वो सामने एक बार्ज है जो कि स्टोन लेके आई है, जो हमारे लिए राख लेके आई है, और ये राख वो वहाँ पे एक्सीवेटर जो है वो समंदर के अंदर फेंक रहे हैं। तो जैसे ही उसके करीब जाएंगे तो मैं उसके बारे में ही बताऊँगा। ये ऑलरेडी हम लोगों ने राख जो है वो अनलोड की हुई है टक इसके बार्ज से। बार्ज के ऊपर एक्चुअली एक्सीवेटर और लोडर वगैरह होते हैं जो काम करते हैं। तो मैं अभी नीचे जाता हूँ और मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जितना मुख्तसर सा होके मैं बैथीमेट्रिक का ओवरऑल व्यू दूंगा कि बैथीमेट्रिक सर्वे कैसे करते हैं और इसमें ये कैसे कैसे कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं। तो मैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे आ गया हूँ। अगर आप यहाँ से देखें तो वो ग्राउंड फ्लोर पे ये आपको एक पाइप सा नज़र आ रहा है। एक्चुअली ये जो पाइप है ये सिंगल बीम है, और ये हमें यहाँ से ये जो बोट है इसके बॉटम से जो सी का बेड है, यानी सी सरफेस से लेके सी बेड तक का जो डेप्थ होती है वो हमें देता है। ये देने के बाद हम इसको ओडैम में रिसीव करते हैं। ये हमारा ओडैम है और इसमें ये हमारे पास डेप्थ आ रही है। ये मिस्टर झंग है, या फ्रॉम चाइना हार्बर, माय बेस्ट फ्रेंड, पाक चाइना फ्रेंडशिप। तो ये यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको साथ में पहले टाइम नजर आ रहा है, उसके बाद इसकी डेप्थ नजर आ रही है, और उसके बाद ये थर्ड जो है हाँ ये हमारे जो बोट एक साइड से दूसरी साइड जाती है उसके दोनों के दरमियान में ये डिस्टेंस है।
तो उसके साथ ये जो मैंने आपको बताया कि सिंगल बीम की केबल है जो बाहर से आके यहाँ पे ये ओडैम के साथ कनेक्ट है और आगे टाइट डिस्टेंस के लिए जो टाइट वैल्यू है वो इसके साथ कनेक्ट है और इस वक्त जो सी की टाइट है वो 0.64 है। तो ये हम लोग अपने पास ये टाइट जो वैल्यू होती है ये नोट करते हैं। ये हमारे पास टाइट टेबल है, अगर आप देखें तो 10 मिनट के बाद ये तमाम टाइट डिस्टेंस टाइट जो उसकी वैल्यू है वो लिखी गई है हर 10 मिनट के बाद। और जो हमारा डाटा है वो हमारे पास इस तरह स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है। ये हमारे एलिवेशन है और ये जो अगर आप देख सके तो क्लोज व्यू में ये जो एरो जा रहे हैं ये बता रहा है कि बोट आगे किस तरफ डायरेक्शन में जा रहा है। और इस वक्त ये जो है ये हमारे करंट जो है वो सर्वे बोट की लोकेशन है। तो इस जब मुकम्मल हो जाता है तो हम इसको USB से डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, ये रॉ डाटा होता है। और वो जो डिस्टेंस दे रहा था वो एक्चुअली ये जो पॉइंट्स हैं ये और स्टार्ट और एंड के पॉइंट के दरमियान में वो उसके ऊपर जो डिस्टेंस बता रहा था। ये हमारा GPS है जो उसके साथ सिंगल बीम के साथ कनेक्ट है। इसमें क्राफ्ट ड्राफ्ट है इसमें हमारे पास ड्राफ्ट है जिससे हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। इसको जस्ट ये इसकी केबल है और ये इस वन डाटा ट्रांसफर ये हमारे पास है ड्राफ्ट। इसको पानी के अंदर फेंकते हैं और इसको कनेक्ट करते हैं ओडैम के साथ, कनेक्ट विद ओडैम टू पीसी। हम वो इसके पीसी के साथ कनेक्ट करते हैं और वहाँ पे वो हमें जो उस वक्त वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी दे देता है पानी की जो भी वेलोसिटी हो। तो उसके बाद ये वेलोसिटी और इसके डेप्थ के बाद ये कुछ बेसिक फार्मूलाज होते हैं जो मैं आपको बाद में डिटेल में इंशाल्लाह जब हमारे पास अपने वीडियो अपने इंस्ट्रूमेंट होंगे तो वो मैं बता दूंगा। तो बस यही था कि वो सिंगल बीम जो है वो यहाँ पे ओडैम के साथ और ये टाइट डिस्टेंस टाइट की जो वैल्यू है वो इसके साथ है और यहाँ पे ये हम 10 मिनट हर 10 मिनट के बाद अपने पास से रिकॉर्ड करते हैं। और बाकी ये सेम जो डिस्प्ले है वो हमारे पास कैप्टन के पास भी है। और दूसरा यहाँ पे अगर आप डिस्प्ले में आए तो यहाँ पे ऊपर आपको इसके कोऑर्डिनेट नज़र आ रहे हैं, ये नीचे टाइम है, ये इसकी डेप्थ है और ये जो है ये इसके वो कितने बार हम लोग आज ऐसे सर्वे कर रहे हैं। जैसे ये लाइनें हैं 1, 2, 3, 4, 5 और ये हमारे पास ये 5 हो गई हैं, छठी चल रही है। तो ये कंप्लीट हमारे पास डिटेल आती है, ये नीचे इसकी वेलोसिटी और ये कितना टाइम हो गया है इसको लाइन को शुरू किए हुए। तो यही चीज़ें इसमें हैं। बाकी अगर बाहर अगर आप आएँ तो मैंने आपको रग बंड का दिखाना था कि वो तो हम लोग और ट्रैवल कंप्लीट करके आ गए, वो सामने रग बंड है। बाढ़ से हम लोग रात को उसको अनलोड कर रहे थे, मैं आपको दिखा नहीं सका। तो वो एक रग बंड है और एक ये सामने अगर आप देख सकें तो यहाँ पे रग बंड है। ये दो तरह के ड्रेजर है हमारे पास। ये जो ड्रेजर है ये स्पेशली रॉक के लिए होता है, अगर नीचे सी के अंदर कोई कुछ सख्त किस्म के रॉक या कुछ ऐसी चीज़ें आ जाए तो उसके लिए ये ड्रेजर जो है वो इस्तेमाल होता है। और वो जो सामने ड्रेजर है वो सिल्ट और लूज सॉइल के लिए इस्तेमाल होता है, उससे हम इजीली ड्रेजिंग कर सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ और जो है वो सिल्ट के लिए है। मैं आपको नीचे ग्राउंड फ्लोर पर लेके चलता हूँ ताकि आपको डिटेल में थोड़ा सिंगल बीम भी अगर दिखा सकूँ पानी में तो वो दिखा लूँ और दूसरा मज़ीद जो अगर आपको बता सकूं। तो मैं अभी ग्राउंड फ्लोर पे जा रहा हूं बोट के।
मैं इंशाल्लाह से ये जितने भी चीज़ें हैं इनके बारे में बताऊंगा ज़रूर जब हमारे पास अपने इंस्ट्रूमेंट होंगे। तो मैं इस वक्त ग्राउंड फ्लोर पे आ चुका हूँ। इस हमारे जो बोर्ड है इसका नीचे बेसमेंट भी है,